हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सर के बारे में कुछ बोलूँगी, बस आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो सर हैं, मतलब हमसे पैसा वैसा नहीं लेते हैं और हमको फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी ट्यूशन ही समझकर आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ, इंग्लिश मुझे ज़रा भी नहीं आती है और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है। घर परिवार को टाइम, मतलब इतना उलझ जाती हूँ कि पढ़ने का टाइम ही नहीं है, और इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसलिए सर मुझे बिना मतलब पैसा कहीं पढ़ाते हैं, तो मैं सारा काम छोड़कर पढ़ने के लिए बस यहाँ पर आती हूँ, रोज़ आती हूँ। इस 20 मिनट ही लगता है, 20 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता। आप लोग भी 20 मिनट 25 मिनट जैसे तैसे करके निकाल लीजिए और इसे ट्यूशन समझकर इस वीडियो को देखिए, आप लोग भी पढ़ना आ जाएगा। स्टार्ट कीजिए यहाँ से ना जी। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इन एक्सेसिबल ओनली वन पेयर है, पर पेयर देखिए ई आर है पर कि नहीं वहां। नहीं, ये वाला है अच्छा ना ई आर जो, है ना, हाँ अर के पहले पी है, पी को बोलते हैं प। प अर क्या हो गया, पर बोलिए। पर ये कहते हैं परजेंट, पर CENT सेंट है, परसेंट ऑफ तेजी से बढ़िए। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एवलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। इसको आज पढ़ेंगे कि यूज पढ़ेंगे, आप सोचिए क्या पढ़ेंगे, यूज आगे बढ़िए इट इज फाउंड एज आराम ग्राउंड से। वाटर अच्छे आस है कि क्या है एज जी। ग्राउंड वाटर एज सरफेस फ्रेश वाटर नहीं फेस। इन रिवर्स एंड लेक्स आराम से एंड एज वाटर वेपर इन द एट एटमोस्फेयर्स। गुड, आगे बढ़िए। फ्रेश वाटर इज द रेफर दे आराम से द देयर 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 फॉर द मोस्ट प्री आराम क्या से। है प्रीसियस हाँ ठीक है आराम से। प्रीसियस हाँ सब सब टेंस सब्सटेंस वन अर्थ वन वो एनी वन में से एक है, वन वन है इस ऑन क्या बोलेंगे, ऑन ऑन। दे अर्थ वाटर कैन नाइदर नाइदर वी एविल एविल एबल डी तो है, एविल्ड है अरे डी तो है, बी तो है ही नहीं, एविड बी तो है ही नहीं, एडिड है एडेड एडेड नो नॉर। नॉर सब सब ट्री ट्री या ट्रै, सब ट्रे ट्रे नहीं ट्रै, ट्रैक्टेड सब ट्रैक्टेड सब सब ट्रैक्टेड, सब ट्रैक्टेड सब ट्रैक्टेड, सब ट्रैक्टेड आगे बढ़िए। फ्रॉम द अर्थ इट्स टोटल वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम यू को, क्योंकि यू को यू रिमाइंस बोला गया है, रिमाइंस रिमाइंस रिमेन्स। रिमेंस कंस्टेंट लीट इट्स एवन एवन डेंस ओनली सीम्स टू वेरी वैरी, वेरी भैरी नहीं वैरी। वेरी
बिकॉज इट इज इन कंस्टेंट मोशन साइकिलिंग द उसको एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, थ्रू द ओशियंस द एयर आर होगा ना, आराम से पढ़िए, आर आराम से एयर द लैंड एंड बुक नहीं लैंड एंड बैक एजिंग जी नहीं गा तो एगिंग तो बोले घी नहीं अगिंग फिर से बोलिए एन को एन बोलते एन ए जी को एन को एन बोलते हैं तो एन है ना ए एन हाँ ए तो ए एन बोलेंगे जी को क्या बोलेंगे ग नहीं बोलेंगे क्या एगिंग घी क्यों बोल रही है एगंग क्या बोलेंगे एन ग में एन लगाइए ग में एन लगाइए गन अरे ग में एन लगाइए गेन हाँ गेन आग अ गेन अ अगेन 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 थ्रू थ्रू द प्रोसेस 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 ऑफ एवी प्रो कहाँ है भाई पी आर नहीं है पी ओ है पी आर ओ नहीं है इवेपोरेशन हाँ ठीक है पेयर हो गई पी आर ई पर पेयर पी आर ई 500 वर्ड को याद करिए दिमाग में लगाइए पी आर ई को क्या बोलते हैं दो चीजें बोलते हैं पी आर ई को प्र बोलते हैं पी आर ई को प्री बोलते हैं प्री सी पी टे टेशन प्री सी पी टी टसन टसन नहीं टेशन प्रीसिपिटेशन प्रीसिपिटेशन हाँ एंड रन ऑफ दिस अस अस नहीं एज मुंह को टेढ़ कीजिए थोड़ा सा एज यू अल अल नहीं ऑल ऑल ऑलरेडी नो इज referred हाँ, to us as the water के बाद ये है cycle हाँ cycle तो दोस्तों देखा आपने कि काफी कम समय इन्होंने लिया है और इस तरह से अगर देखेंगे तो हालांकि छोटे छोटे वर्ड में फंस जाते हैं जैसे as पढ़ देती हैं तो या इनका उच्चारण को पता नहीं है तो ये सब चीज को समझना होगा पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करना ही होगा नहीं याद करेंगे तो आगे हमेशा यहाँ तो पढ़ लेंगे क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इनका हेल्प कर दे रहा हूँ उनको भी पता है लेकिन जब धीरे धीरे जब इनका कोई सपोर्टिव नहीं रहेगा तो ये गलत पढ़ते हुए निकलेंगे वहाँ पर इनका जो है दूसरे के सामने जब गलत पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनका इंसल्ट होगा इसको समझना होगा इस बात को तो चलिए अब ये लिख के वर्ड्स के वर्ड को थोड़ा समझ बढ़ाने के लिए इस तरह का जरूरी है कि एक्टिविटी हो जाए तो चलिए पहला है 18 से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या लिखना है 18 नंबर से लिख दीजिए जो आपको आता है लिखिए नीचे लिखिए एक्टिविटी हाँ चलिए लिखिए आधा क है तो क लिखिएगा नहीं टी जब आई हो तो छोटा इस्तेमाल करना है ठीक है छोटा ई की मात्रा छोटा टी लिखिए टी बराबर का चिन्ह दीजिए अब लिख दीजिए
नहीं, अब पहले इधर उठा दीजिए, क पहले उठाइए, हाँ उठा दीजिए, अट्टा लिखिए, हाँ वीटी लिखिए, अब सही हो जाएगा। फिर बाकी सब देख देख के आप लिख सकती हैं, आपको तो आता ही है। एक्टिविटी ये शुद्ध हुआ, सही है। नीचे नेक्स्ट लिखिए ही जी, से लिखिए, हिमसेल्फ हाँ लिखिए, ही से एक चीज देखिए, हिम से एम जो है, एम के बगल में कोई भौवे नहीं है बाद में, तो वो आधा म हो गया, उसको आधा म समझिए। लिखने की जरूरत नहीं, उसमें नीचे कैसे लाइन पार देने से वो आधा हो जाता है। ल के बगल में कोई नहीं ना है, नहीं। वो आधा ल है, लिखिए, यहाँ पे हाँ नीचे लाइन पार दीजिए, ल के बगल में लिख दीजिए, ऐसे लाइन पार दीजिए हल्का, क्या लाइन? हाँ हल्का सा ल बना दीजिए। आपको ल पूरा अक्षर को ल कैसे बनाते हैं, पूरा अक्षर को लिख कर उसमें एक नीचे से ऐसे लाइन पार देने से वो आधा हो जाता है। कैसे यहाँ लिखे चल लिखिए, अब अभी लिख लीजिए, बाद में हिंदी की ज्ञान बांटा जाएगा। ही हिम हाँ हिम से सेल आधा ला फ, हिम सेल देखिए जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखा जाता है हमेशा। देखिए नेक्स्ट वर्ड लिखिए, गार्डन गार्डन लिखिए, सब पढ़ने आता है आपको। आधा र, डॉ कैसे होगा भूल आधा गई र लिख दीजिए, र आर से र ही ना होता है, डॉ कैसे र होगा, र आर गार से र होगा, र लिखिए ना, र र लिखिए। लिख दे रहा चलिए ठीक है, डॉ ड या डे डे, डे डे लिख दीजिए, अब डे डे के बाद में प्लस करके, नहीं ठीक है हाँ गार्डन नो प्ल ना। अब लिखिए गा, मैं गा हेल्प करता हूँ, डे लिखिए पहले, डे डे के ऊपर बीच में से रहा बढ़ा दी, वहाँ हाँ ना ना लिखिए पूरा ना, ये ही गार्डन ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, ये है एच है ना एच यू एन डी आई डी, हंड्रेड हाँ 100, ह प्लस न प्लस क्या होगा, ड्रे होगा ड्रे लिख ड्रे दीजिए, ड्रे ड्रे नीचे से ऐसे रह लगता है, नीचे से रह लगता है, पता है ना, कैसे नीचे से ऐसे करके रह नहीं लगता है, डॉ भी के उल्टा करके लगाते हैं ना, ड्रे लिखिए जैसे लिख रहे, ऐसे हाँ हंड्रेड बताना पड़ता है, प्लस ड डॉ लिखिए, अब बराबर की चीज दीजिए, आप देखिए एन, ये देखिए एन, एन के बगल में कोई भौवेल है नहीं तो यदि आधा एन है ना, आधा न लिखिएगा, चलिए आधा न, ड्रेड 100। नेक्स्ट लिखिए, 100 तो आपने लिख दिया बहुत सही तरह से, है ना। चलिए, हालांकि टवर्गी न का इस्तेमाल लोग करते हैं, कौन सा ना, टवर्गी ना का इस्तेमाल करते, दूसरा ना एक और ना होता है ना, टवर्गी क्या होता है आपको अब नहीं पता चलेगा, ये हिंदी का बहुत ही जो व्याकरण लोग होते हैं उन्हीं को पता होता है कि टवर्ग ना क्या होता है। एक और ना होता है ना, अच्छा एक दूसरे तरह से ना होता है, अड़ा बोलते हैं इसको, अड़ा, हाँ वही लिखा जाएगा वहाँ, उस ना का जगह वहाँ ही लिखा है वहाँ पर, यहाँ हाँ फर्स्ट टेन में नहीं 100 में एन ना के हंड्रेड जगह दूसरा ना लिखा है, तो यहाँ हटा दे नहीं नहीं इसको वो नहीं, ना 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 यहाँ वहां तो पर दूसरा ना लिखा, ऐसे बना हाँ 100। एक चलिए इसमें लाइन होगा नहीं ना होगा, आधा ना है ना, हंड्रेड चलिए नीचे लिखिए, अब नीचे लिखिए फर्स्ट टेन फर्स्ट टेन या फास्ट टेन फास्ट टेन जी, फा सा आधा सौ, आधा सौ है ना, हाँ फास्ट टेन टेन बराबर टेन हाँ आधा सा है तो आधा सा लिखेंगे हम लोग लिख सावधानी से, दिया हाँ फास्ट फास्ट टेन टेन। तो ये तो दोस्तों आपने देखा लिखते हुए, अब चलिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर इनको मैं दे रहा हूँ, अब देखते हैं कि इसमें क्या ये करते हैं।
पहले तो पढ़ना सीखना होगा, क्या आप इसमें पढ़ पाती हैं? पहला वर्ड क्या दिख रहा है आपको? सेंड। से सैंड, सेंड नहीं सैंड। क्या दिख रहा है? सैंड। चलिए लिखिए सैंड। उसके बाद आई एस जो है उसको इज बोलते हैं, हमारा पार्ट ऑफ वर्ड है, फेवरेट पार्ट ऑफ वर्ड है इज। ठीक है, इज क्या बोलेंगे? इज। अब लिख के दिखाइए, पढ़ के दिखाइए, किस साथ लिख दीजिए वर्ड को? लिख के क्या, हिंदी में? हिंदी लिख दीजिए सीधा, या पढ़ दीजिए, पहले से पढ़ दीजिए सर तेजी से, एक बार पढ़ दीजिए। चलिए तो सैंड 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 फ्लीज फ्लीज नहीं फ्लाइज फ्लाइज सैंड फ्लाइज फेयर फेयर फ्लाइज फायर फायर ओ फायर फ्लाइज CSHAD अच्छा ये बताइए तो आपको सोचना होगा कि जब फ्लाइज फ्लाइज क्यों पढ़ेंगे, फ्लीज क्यों नहीं पढ़ेंगे? सोचिए आप इस बात पे। फ्लाइज मैंने जानबूझ के इस तरह से बात आपको, फ्लाइज फ्लाई पढ़ेंगे कि फ्ली पढ़ेंगे? फ्लाइज से वो अच्छा लग रहा है, फ्लीज पढ़िए, फ्लीज क्योंकि आई इसको इज बोल रहे हैं ना, तो पहले तो हम फ्लीज ही बोल। हाँ इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि ताकि आपको समझ में भी थोड़ा सा बात को आया कि दो तरह से कैसे समझते हैं, अगर वाई रहता तब होता तो फ्लीज। क्या पढ़ेंगे अभी भी सोचिए, आप सोच के बताइए मुझे क्या पढ़ेंगे उसको? फ्लाइज सोचिए, फ्लाइज प्लीज। तो दोस्तों ये फ्लीज पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? फ्लीज फ्लीज जी हाँ। चलिए इसी तरह पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न को इज है इसलिए जैसी बात फ्लीज, फ्लीज फायर फायर फ्लीज हाँ फायर फ्लीज सैंड सैंड सो सैड सैड फ्लीज ठीक है मिस मिस नहीं मिस 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 रे मिस रिलीज मिस रिलीज 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 मिस रिलीज अगर इसको माइज माई रिलीज भी बोल सकते क्या? माइज रिलीज नहीं मिस रिलीज ठीक है हाँ चलिए ठीक वेरी गुड। इसको क्या पढ़ेंगे? मंथलीज चलिए डेली लीज नेक्स्ट देन रिलीज सी है बोलते हैं टेंडेंसीज, आपका बहुत अच्छा नहीं है टेंडेंसी है ना। आगे नेक्स्ट एक्सीजेंसीज हाँ एक खाली एस है हाँ जी हाँ एस एस टे है ना ट्रे एस ट्रे टी टे जेन जे एस ट्रे टे जी जीज जीज देख पेयर प्री पेयर नहीं है प्री प्री या प्रे टी प्री टी फिर फिर्स फिर्स प्रिटी फीस प्रिटी फीस जी हाँ दोस्तों प्रिटी फीस। तो ये मैंने इनको पढ़ने के लिए दिया और इन्होंने अच्छे तरह से पढ़ा, इसका बहुत अच्छा लगा कि ये एक पार्ट वर्ड है। और मैं एक लाऊंगा आपके लिए स्लाइड इसी तरह का जो कि मतलब कि पीपीटी रहेगा, और पीपीटी को मैं इनसे पढ़ने के लिए कहूँगा जो कि बहुत सारे वर्ड इनको पढ़ने को मिले, और ये तरह तरह के वर्ड्स यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि याद नहीं कर रही हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड को लेकर जो है इनका दिमाग खुलेगा है ना। तो दोस्तों देखिए सबसे शुरू में इन्होंने ही इनको ही मैंने कहा कि भाई आप शुरू कीजिए, तो इन्होंने बहुत ब्राई कर दिया मेरा,
जबकि इनको पहले से कुछ कुछ आता है, जो पॉपुलर वर्ड्स होते हैं ये पहले से पढ़ती हैं, और हाँ कुछ फ्लो बढ़ा है लेकिन अभी बहुत बढ़ना बाकी है, क्योंकि 70 पार्ट्स वर्ड याद नहीं कर रही है। उसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स वर्ड होते हैं, वॉवल के सारे उच्चारण नहीं है दिमाग में, और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके उच्चारण दिमाग में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर रही है। अगर उसको करेंगी तो और तेजी होगा, अगर नहीं कर रही तो ये जो अब आपने देखा अभी, ऐसे ही करके मैं आपके लिए उनके लिए स्लाइड लाऊंगा, और स्लाइड से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पढ़ाऊंगा ताकि इनके दिमाग में वो पार्ट्स ऑफ वर्ड आ जाए। जी हाँ, वो पार्ट्स ऑफ वर्ड आ जाए और फिर आगे कभी दिक्कत ना हो इनको। तो इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।